YouTube चैनल दिस इज विकास कुशवाहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय दैट रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नोन एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वी कैन से इन सिंपली डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग ये होता है दोस्तों कि हिंदी में इसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे लोगों के द्वारा शासन किया जाए, मीन्स लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, लोग अपना नेता चुने, और आखिरी डिसीजन जो भी लेना होगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ नेता, लोगों के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव ले, तो इस सरकार को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतंत्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग मिलके किसी एक नेता को वोट देके इन्हें चुनते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ये न लेके बल्कि कोई और ले, यानी कि ये लोगों के द्वारा चुना हुआ नेता इनके हाथों की सिर्फ एक कठपुतली रहे, तो इसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए, लोगों के द्वारा जिस रिप्रेजेंटेटिव का चुना हो वही फाइनल डिसीजन ले, वही ए टू जेड सारा डिसीजन वही ले, और इन लोगों के हित को ध्यान में रख के, इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो डिसीजन ले, तो इसे हम बोलेंगे लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, या हम बोल सकते हैं लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करेंगे, एक ऐसा समाज जहां पे लोग जो है बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से, बिल्कुल अच्छे से, एक अच्छे जीवन प्रणाली के साथ वहां पे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ नियम कानून की जरूरत होती है। जैसा कि हमें पता है कि हर एक इंसान को अगर इस समाज में अच्छे तरीके से जीना है तो उसे कुछ मूलभूत ऐसे अधिकारों की जरूरत होगी, जिन अधिकारों के बल पे वो अपनी जिंदगी को गुजार सके। ऐसे ही बेसिक, ऐसे ही मूलभूत अधिकारों को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ इसका वर्णन दिया गया है, और साथ ही साथ इस फंडामेंटल राइट्स की गारंटी खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अधिकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12-35, आर्टिकल 12-35 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी ये हमें बताते हैं उन नियम कानून को, उन अधिकारों को जो लोगों को दिया गया है, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से वो इन अधिकारों को आराम से लेके इसके साथ साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे भी प्रोसीजर बनाए हैं, कुछ ऐसे भी रूल्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, जिनके द्वारा कोई भी इनके लोगों के इस फंडामेंटल राइट्स का हनन न कर सके, मूलभूत अधिकारों का हनन न कर सके। यानी सबको इसे मानना होगा, सबको इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, कोई किसी के अधिकारों को डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। टोटल हमारे यहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं इनका प्रावधान है, तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता है, समानता का अधिकार, यानी कि इस फंडामेंटल राइट्स में यहां पे हर एक लोगों के इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अधिकार, और कानून के सामने भी समानता की बात कही गई है। यानी कि इस राइट्स के अनुसार ये बोला गया है कि यहाँ पे हमारे देश के सारे लोग जो हैं वो कानून के सामने बराबर हैं, यानी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, एंड किसी को भी जाति, धर्म, जेंडर या फिर उनके नस्ल, किसी भी अनुसार से किसी के भी अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको पता है कि अनटचेबिलिटी एक सबसे बड़ा, ये छुआछूत एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि नस्ल के अनुसार होता था, जो कि जाति के अनुसार होता था, तो इसको भी बैन लगा दिया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया, वो भी किसके तहत, किसी राइट टू इक्वालिटी के तहत। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट ने
हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और भी प्रावधान बनाए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के थ्रू उन्होंने एससी एसटी ओबीसी इनको कुछ अलग से स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, जिनके द्वारा इनको समाज में बराबर का स्थान दिया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये डाउट होगा, एक तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि सारे लोग समान है, और दूसरी तरफ यही कॉन्स्टिट्यूशन एससी एसटी और बैकवर्ड को क्या रिजर्वेशन भी देता है। क्यों? अगर सारे लोग बराबर है तो फिर उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत क्यों है? आपके मन में डाउट होगा। तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि रियल मतलब आज मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए, अगर हम रेस की बात करते हैं, अगर एक सिंपल सा रेस होना है, और अगर ये जनरल के लोग हैं और ये हैं एससी एसटी बीसी या ओबीसी, यानी कि रेस शुरू होना है, फाइनल टचिंग प्वाइंट ये है, लेकिन ये जनरल वाले यहां से रेस करते हैं और यहां से ये एससी एसटी ओबीसी वाले करते हैं, तो हर हाल में आपको भी देख के अंदाजा होगा कि जीत हमेशा जनरल वालों की होगी। ये मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं दोस्तों, दिखाना ये है कि ये जनरल का ये स्टेटस है और एससी एसटी ओबीसी का स्टेटस ये है, यानी कि आज के समय में अगर हम रियल की बात करते हैं तो एससी एसटी समाज में इतना पिछड़ गया है, इतना ज्यादा पिछड़ेपन है वहां पे, कि अगर हम इस समय इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात भी करते हैं तो भी वो रेस बराबर के स्थान से न होके जनरल वाले काफी आगे हैं, एससी एसटी वाले काफी पीछे हैं, तो इस तरह से ये कभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये कभी इनके बराबर में नहीं आ सकते। बड़े बड़े जो हायर पोस्ट है, बड़े बड़े जो आधिकारिक पोस्ट है, वहां पे भी इनका पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए इनको भी इस बराबरी के, जब रेस होता है तो बराबर के स्थान से होना चाहिए, तो इनको उठा के यहाँ पे लाना है। अब इसका दो ही रास्ता है, या तो इनको पीछे किया जाए या फिर इनको आगे किया जाए, तो जनता को किसी को हम पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समाज ने थोड़ा सा रिजर्वेशन की पॉलिसी देके इस एससी एसटी ओबीसी को यहां से हटा के और यहां पे लाने का काम किया है, ताकि अब जाके रेसिंग बराबरी से हो सके और अब जाके दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। उम्मीद है आपको मेरा ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये रीजन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन साथ ही साथ रिजर्वेशन का प्रावधान भी दिया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। दोस्तों, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला, टोटल इसमें 6 पॉइंट होते हैं, और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार, मतलब हम किसी के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। सेकेंड नंबर पे आता है कि पीसफुली तरीके से हम असेंबल कर सके, मतलब आपस में एक जगह जुट के अपने बात विचार का आदान प्रदान कर सके, लेकिन विदाउट आर्म्स, किसी तरह का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, हम पीसफुली तरीके से ये कर सकते हैं। थर्ड कहता है कि हम यूनियन, मतलब राइट टू फॉर्म यूनियन आर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी तरह का हम एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ये भी हमें अधिकार दिया गया है। फोर्थ कहता है कि देश के विभिन्न भागों पे कहीं पे भी घूमने का अधिकार, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने का अधिकार। फिफ्थ कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर वहां पे बसने का अधिकार, वहां पे रहने का अधिकार, मीन्स राइट टू रिसाइड और टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। एंड लास्ट जो है, ये लास्ट सिक्स्थ कहता है कि राइट टू चूज एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन ट्रेड एंड बिजनेस, कि किसी भी तरह के किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, यानी किसी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं, हम जिस भी अधिकार को चाहे चुन सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सेकेंड राइट टू फ्रीडम। थर्ड की बात हम करते हैं तो थर्ड नंबर पे आता है राइट टू रिलीजन। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम यानी किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार, मतलब आजादी, किसी भी धर्म को हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे हमें आजादी है। ठीक है दोस्तों, मींस इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बात की गई है। सेकुलरिज्म के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे यहां किसी भी धर्म को क्या प्रायोरिटी नहीं दी जाती है,
कानून के सामने, स्टेट के सामने जितने भी धर्म है सबके सब इक्वल है। हम किसी एक धर्म को स्पेशल उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं, और किसी को हम उसके सामने तुच्छ नहीं करते हैं। हमारे सामने सारे धर्म बराबर है, और इसी बात को बोला जाता है सेकुलरिज्म। मीन्स इसके तहत किसी भी इंसान को पूरा अधिकार है कि वो फ्रीली रूप से किसी भी धर्म को चाहे चुन सकता है, किसी भी धर्म को चेंज कर सकता है, और नेक्स्ट किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसमें कानून किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ आता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके तहत कुल मिला के तीन चीजों के बारे में वर्णन है। सबसे पहला तो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है इंसानों का खरीद फरोख्त को रोका जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको रोकने के लिए काफी ज्यादा ये प्रोविजन बनाया है, किसी भी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। सेकेंड नंबर पे आता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि बेगार या फोर्स्ड लेबर, इसको रोका जा सके। यानी इसको रोकने के लिए भी कानून बनाया जाता है। बेगार का मतलब ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे काम के बदले किसी तरह का कोई वेतन नहीं दिया जाता है, तो इसको भी रोकने के लिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बेगार को भी रोकने के लिए प्राविधान कानून बनाया गया है। और फिर इसके तहत एक और बात बोली गई है कि 14 साल से कम के बच्चों को, बिलो 14 इयर्स 14 साल से कम के बच्चों को कहीं पे भी फैक्ट्री माइंस ऐसे कहीं भी घातक जगह पे, कहीं भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां पे इनको नुकसान पहुंच सके, ऐसे जगह पे इन्हें काम पे नहीं लगाया जा सकता। ये भी एक कानूनन जुर्म है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ बहुत सारे कार्यवाही भी किए जा सकते हैं, और इसका प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पांचवें नंबर पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट, ये इस फिफ्थ पॉइंट में स्पेशली हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यानी इसके तहत ये है कि हमारे देश के जो माइनस सोसाइटी है, माइनस सेक्शन है, ये कंजर्व कर सके, ये बचा सके, इन्हें पूरा अधिकार है कि ये बचाएं। किस चीज को? अपने लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, इनको बचाने के लिए ये प्रावधान है कि ये बिल्कुल फ्री है कि ये इन्हें कंजर्व कर सके। सेकेंड पॉइंट है कि कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग वाले कॉलेज में, मतलब कहीं भी गवर्नमेंट के द्वारा जहां पे फंडिंग होता हो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, गवर्नमेंट फंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहीं भी ऐसे जगहों पे क्या जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म या किसी भी तरह का नस्लवाद, इनके हिसाब से वहां पे एडमिशन को लेके भेदभाव न किया जाए, मतलब किसी को भी डिनाई न किया जाए, किसी के एडमिशन को मना न किया जाए, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, इनके बेसिस पे किसी के भी एडमिशन को मना ना किया जा सके, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि हमारे देश के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी सोसाइटी में जितने भी सेक्शन है वो सब के सब फ्री हैं, ठीक है, कि वो किसी भी तरह का अपने चॉइस के अनुसार किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, और इवन अगर एडमिशन लेने की बात आती है स्टूडेंट्स को, तो वो अपने चॉइस के अनुसार किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी ले सकते हैं, वहां पे किसी तरह का कोई भी रोक न हो, किसी भी तरह का कोई वहां पे उन्हें रुकावट का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से ये है राइट, इसका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये स्पेसिफिक किसके लिए बना है, ये हमारे सोसाइटी के जो माइनर सेक्शन है इनके लिए बनाया गया, ठीक है दोस्तों। और सबसे लास्ट में अभी दो और बाकी है, टोटल सात है,
तो सिक्स नंबर पे आता है राइट टू कंस्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है दोस्तों? माना जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन अगर बाय द वे कोई भी आपके अधिकारों को मानने से मना कर देता है, तो कोई भी आपके अधिकारों को पूरी तरह से एक सीधे से डिनाई कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक नया तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज नाम का एक अधिकार आपको दिया है। इसके तहत बाकी जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा होती है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर किसी भी इंसान पे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, कोई भी उसे मानने से मना करता है, किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। दोस्तों ये सबसे लेटेस्ट आया हुआ है, ये 2012 में ये हमारे मूलभूत अधिकारों में आया। ये क्या है? ये हमारे देश में लिटरेसी रेट को काफी ज्यादा ऊंचाई पर बढ़ाने के लिए इसे मूलभूत अधिकारों में जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है, इसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के हर एक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। मतलब किसी भी बच्चे को एजुकेशन से मना नहीं किया जा सकता, उन्हें बिल्कुल फ्री, मुफ्त का, और कंपलसरी का मतलब एकदम जरूरी है, तो ये शिक्षा इन्हें मिलना ही चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान दिया गया, ताकि हमारे देश की लिटरेसी रेट में ग्रोथ किया जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे ये 7 हमारे मूलभूत अधिकार है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? जैसा कि अभी तक हमने देखा था वो फंडामेंटल राइट्स था, यानी वो हमारे अधिकार थे, वो हमारे मूलभूत अधिकार थे, ठीक है, जिनके आधार पे हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारा वो कर्तव्य क्या है, इसमें इसकी बात करते हैं, यानी इस समाज में हमें क्या करना है, ये हमें क्या कर्तव्य। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में एक डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो लीगली वो क्या है कि सबको मानना ही मानना है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। मतलब वो लीगल रूप से सबको मानना है, ये एकदम कंपलसरी है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो ये लीगली पूरी तरह से ये फोर्सेबल नहीं है, ये आपको मतलब लीगल रूप से ये नहीं कहता कि आपको मानना है, ये आपके ऊपर है, माने चाहे ना माने, लेकिन चूंकि हम इस देश के निवासी हैं तो ये हमारा कर्तव्य है और हमें इसे मानना ही चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसमें हम सबसे पहला बात करते हैं कि हमें अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए किसका, आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है कि हमें बचाना चाहिए, यानी प्रिजर्व करना चाहिए दोस्तों किसका, हेरिटेज, विरासत ऑफ आवर कल्चर, जो हमारा कल्चर है जो कि पूरी दुनिया में अपने आप में सबसे एक अलग है, जो अमूल्य है, ऐसे कल्चर का जो विरासत के रूप में हमें मिले हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए। थर्ड कहता है कि हमें फॉलो करना चाहिए, किस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, उन सारे आइडियल्स को, उन सारे आदर्शों को जो किनके द्वारा बनाए गए हैं, जो बनाए गए हैं हमारे नेशनल मूवमेंट फॉर स्ट्रगल, जो भी हमारे यहाँ मूवमेंट हुए हैं, जो भी हमारे यहाँ नेशनल स्ट्रगल हुए हैं, किसके लिए, फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए जो भी हमारे यहाँ लड़ाइयां लड़ी गई हैं, तो उसमें जो भी आदर्श बनाए गए हैं, उन आदर्शों को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फोर्थ कहता है कि हमें यहाँ पे एक शांति बनाए रखना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए और आपसी भाईचारा बना के रहना चाहिए, किसी तरह का कोई भी मन मुटाव नहीं करना चाहिए। फिफ्थ कहता है दोस्तों कि यहाँ पे महिलाओं के लिए भी इनके डिग्निटी का भी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ
वुमेन। नेक्स्ट कि हमें अपने जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेव करना चाहिए और साथ ही साथ हिंसा से हमेशा दूरी बनाना चाहिए। मींस प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड किसी भी तरह के कोई भी जो भी हिंसा होता है उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उन्हें हमें खत्म कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सातवें नंबर पे आता है कि हमें अपना जो नेचुरल जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जो भी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उनको बचा के रखना चाहिए। जैसे इसके तहत क्या आता है, नेचुरल रिसोर्स, इसके अंतर्गत आता है क्या चीज, इसके अंतर्गत है रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सारे चीजों को हमें बचा के रखना चाहिए और हमेशा इनके ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। वायलेंस, नेक्स्ट आठवां साथ ही साथ कहता है कि हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सोवरेनिटी, अपने देश की यूनिटी और अपने देश की इंटीग्रिटी के विषय में सोचना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। मींस हम बात करते हैं कि सिटी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब यह होता है कि हमारे देश के अंदर का कोई भी फैसला हमारे अंदर के ही लोग ले, कोई भी इसमें बाहरी इंटरफेयर ना कर सके, दैट इज द सोवरेनिटी। और यूनिटी इंटीग्रिटी पता ही है, एकता और अखंडता। तो यानी हमें अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का भी मान रखना चाहिए, इसे भी बचा के रखना चाहिए और इसे भी प्रमोट करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए फिर से शुरू से बात करते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, हमें प्रिजर्व करना चाहिए अपने देश के जो भी कल्चर है, इसके हेरिटेज की, इसकी विरासत को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे आजादी के लिए जो नेशनल स्ट्रगल हुआ, इसके आइडियल्स को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमें हारमोनी शांति के साथ साथ और भाईचारे के साथ साथ रहना चाहिए। हमें महिलाओं के डिग्निटी का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी का, और वायलेंस का हमेशा अवॉइड करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। हमें नेशनल रिसोर्सेज जैसे रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे बढ़ाते रहना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने देश के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखना चाहिए, इसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ये सुरक्षित रहे। साथ ही साथ एक और भी हम कह सकते हैं कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी देश के लिए किसी भी लड़ाई, युद्ध या ऐसा सिचुएशन आता है और देश की तरफ से आवाज आए, तो हमेशा हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा उसके लिए हमें खड़ा रहना चाहिए। यानी कि देश सेवा भी एक सबसे बड़ा सेवा माना जाना चाहिए और ये भी एक हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल ये 9 हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज एक दो और हो सकते हैं, लेकिन ये मेन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बताया फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सामने बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने और आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज हम आपके लिए ला सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।